फाइनली दोस्तों ओप्पो ने रेनो सीरीज में एक नया 5G स्मार्टफोन को जापान में लॉन्च कर दिया है। ओप्पो रेनो 5A के नाम से दो कलर ऑप्शन में लॉन्च किया गया, ब्लैक एंड ब्लू कलर। इस वीडियो में आपको ओप्पो रेनो 5A 5G स्मार्टफोन का आपको सारा जानकारी देने वाला हूं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आएगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक शेयर कर दिएगा, चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में, तो आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 765G के साथ आता है, 7 नैनोमीटर वाला प्रोसेसर यूज किया गया है, साथ में आपको 5G का सपोर्ट मिलता है। इसके अलावा दोस्तों मैं अगर आपसे बात करूं स्टोरेज और रैम सपोर्ट के बारे में, तो LPDDR4X रैम का आपको सपोर्ट दिया गया है। स्टोरेज टाइप में कौन सा यूज किया गया दोस्तों इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैं भी दोस्तों UFS 2.1 स्टोरेज टाइप का आपको सपोर्ट दिया गया होगा। जहां पर अगर बात करूं दोस्तों सॉफ्टवेयर के बारे में, तो आउट ऑफ द बॉक्स आपको Android 11 दिया गया है, जहां पर आपको कस्टमाइज किया गया कलर ओएस 11 के साथ। बैटरी की बात करते हैं दोस्तों, तो आपको 4000mAh का दिया गया 18W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आता है, और बॉक्स में आपको 18W का चार्जर मिल जाएगा। और अब दोस्तों बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में, तो आपको 6.5 इंच का आपको एक IPS डिस्प्ले दिया गया विद फुल HD+ रेजोल्यूशन के साथ आता है। टॉप के आपको लेफ्ट साइड में एक सिंगल पंच होल दिया गया है, 20:9 का आपको स्पेक्स रेशियो मिलता है, 90% से ज्यादा आपको स्क्रीन टू बॉडी रेशियो दिया गया है। उसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पे एक 90Hz रिफ्रेश रेट वाला आपको डिस्प्ले प्रोवाइड किया गया है, जहां पे आपको 180Hz टच सैंपलिंग रेट मिलता है, 550 निट्स का आपको पीक ब्राइटनेस दिया गया है। फ्रंट साइड में दोस्तों कौन सा प्रोटेक्शन यूज किया गया है इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है। सिक्योरिटी की बात करते हैं दोस्तों, तो आपको फेस अनलॉक का फीचर दिया गया, साथ में दोस्तों आपको एक फिजिकल फिंगरप्रिंट दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं डिजाइन और कैमरास के बारे में, तो रियर साइड में आपको कुछ इस तरीके का डिजाइन दिया गया है। रियर साइड में आपको प्लास्टिक बैग दिया गया, ग्लॉसी फिनिशिंग के साथ आता है, 8.2mm थिकनेस पे आता है, 182 ग्राम का ये स्मार्टफोन। कैमरे की बात करते हैं दोस्तों, रियर साइड में आपको क्वाइट कैमरा सेटअप दिया गया, प्राइमरी सेंसर आपको 64 मेगापिक्सल का दिया गया है, f1.7 अपर्चर के साथ आता है, साथ में आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ सेंसर दिया गया है। जहां से अगर बात करूं दोस्तों सेल्फी कैमरा के बारे में, तो पंच होल में आपको 16 मेगापिक्सल का दिया गया है, f2.0 अपर्चर के साथ आता है। और यहाँ दोस्तों आपको यहाँ पे 3.5mm जैक दिया गया, चार्जिंग के लिए आपको टैप सी पोर्ट मिलता है, और यहाँ पे दोस्तों आप एक सिम कार्ड और एक SD कार्ड लगा पाएंगे, जिसको आप एक्सपेंड कर सकते हैं 1 TB तक। और अब फाइनली बात करते हैं प्राइस के बारे में, तो ओप्पो रेनो 5A 5G स्मार्टफोन को एक वेरिएंट में लॉन्च किया गया, 6GB 128GB। प्राइस अभी सामने नहीं आया दोस्तों, जैसे ही प्राइस सामने आएगा दोस्तों तो मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मेंशन कर दूंगा। प्राइस जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं दोस्तों 20 और 22 हजार रुपए के आसपास में आना चाहिए। देखते हैं दोस्तों क्या प्राइस निकलकर सामने आता है, जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आएगा प्राइस के रिगार्डिंग तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।